वो करी नहीं रहा, अब तैरना सीख ले। तो एनडीडीआर के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। पूरे हरियाणा में सब जानते हैं कि एनडीडीआर का, मेरा बचपन से ही दूंगा क्योंकि जवानी नहीं पाई हमारे में, तो बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब से एनडीडीआर घरों में अखबार भेजता था, अखबार डाल के आता था, तब से एनडीडीआर को जानता हूँ। मैं बच्चे में मजदूरी करता था और एनडीडीआर जो है वो अखबार डालता था। इधर से एनडीडीआर ने सोचा कि मैं गाने लिखूंगा, और इधर से मेरी माँ का सपना था कि उसका बेटा हीरो बनेगा, और मैंने सब कुछ छोड़ के इस लाइन में अपना काम स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे करके हमने मेहनत की और एक नीचे तबके से उठ करके आज आप सबके बीच में आप लोगों का बेटा यहाँ तक पहुंचा है। एनडीडीआर और विजय वर्मा, मैं चाहूंगा कि यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए। यह सिलसिला आप सबके बीच की बात, आप सबके बीच का दर्द वही आदमी जान सकता है जो आप सबके बीच का हो, वो नहीं जो अपने एसी में रहता हो और आकर के पांच साल में एक बार हाथ जोड़ के चला जाता है, वो कभी भी आपको अपना दर्द नहीं समझ सकता। हर दिन जो आपको सुबह उठकर कश्ती उठाकर खेतों में जाते देखता है, हर दिन आपको वही आदमी आपके हक की बात कर सकता है, और वो हक की बात मेरा भाई एंडी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आज मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, यहां से हम कलाकार आए हैं, हम कलाकार अगर किसी भी रैली में जाते तो पैसे लेते हैं, आज हम पैसे देके जाएंगे अपने भाई को। आज हम यहां पर अपने भाई के साथ खड़े हुए हैं। क्या कोई मेरे को जब एक बार पता लग गया कि एंडी दी आदि ऐसे इलेक्शन में खड़े हुए हैं, खून खोल गया मेरे से, मैंने सोचा एक वोट तो इनसे फेंक दूं, पर क्या करूं 19 तारीख की, 19 तारीख का इंतजार नहीं करना है। तो मेरे को आश्वासन दो 19 तारीख को कौन कौन यहां जो सच्चे मन से आया है वो वोट देगा, हाथ खड़े कर दे। अपने हाथ जब खड़े करे हैं, अगर किसी साथी का हाथ खड़ा कर लिया तो जीत पक्की होगी दोस्तों। और चौकी जी के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं एनडी भैया जी को जानता हूं, तो मैं ज्योति जी को भी जानता हूं। मैं रात के 12 बजे अगर कहीं से शूटिंग से मैंने फोन कर दिया कि एनडी भाई मैं आऊंगा, एनडी भाई रोड पे खड़ा मिला मेरे को, और वहां जाने के बाद मैंने कहा कि मैं खाना खा के आया हूं। ज्योति जी ने रात के 2 बजे खाना बना के हम लोगों को दिया है, आप चाहे खा के आए हो लेकिन आपको खाना पड़ेगा। ऐसी कर्मठ सुशील आप लोगों के बीच में प्रत्याशी खड़ी हुई है और पढ़ी लिखी